में किसके घर जाना है बाबूजी? मैं उसी गांव का हूँ, पढ़ाई करने के लिए शहर गया था। पढ़ाई पूरी हो गई, सोचा नई जिंदगी में कदम रखने से पहले माँ बाप का आशीर्वाद ले लूँ, सो चला आया। सही सोचा बाबूजी, माँ बाप के आशीर्वाद से ही औलाद की जिंदगी में सुख आता है। बस यही रोक दो। रुक जा। शाबाश शाबाश। बाबूजी यहाँ खेतों में कहाँ जा रहे हैं? ये पगडंडी गांव की तरफ ही जाती है ना? जी हाँ बाबूजी। आप कितने सालों बाद गांव आ रहे हैं? 7 साल बाद। 7 साल बाद? और आपको अभी तक सारे रास्ते याद हैं? इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ नाता कभी नहीं भूल सकता। तो बाबूजी 5 रुपए खुले दीजिए। रख लो यार। राम राम बाबूजी। चल। प्रणाम मीनू मौसी। प्रणाम। कौन हो बेटा? मैं शिवम मिश्रा। वो सरपंच राजेंद्र मिश्रा जी को बेटा? हाँ। शिवम जी। मौसी जी, आप लोग अभी तक इसी तालाब का पानी पीते हैं? हाँ। गांव में पानी नहीं है? अब पानी तो आता है ना बेटा। कब? जब बरसात में बाढ़ आती है तब घर घर में पानी आता है, और इस तालाब का पानी भी बिल्कुल साफ हो जाता है, और बारिश का ताजा ताजा पानी हम लोग पीते हैं, वरना तो सारे साल पानी हम बासी पिए और दूध ताजा पिए। अच्छा मौसी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। अच्छा। मौसी आई। अरे शिवम भैया तुम? अरे फुमन चाचा, आज तक यही कर रहे हो? अरे भैया, ये तो प्रकृति का नियम है, पेट खराब तो तंदुरुस्ती खराब, इसलिए हम इसको रोकते नहीं हैं। मगर अभी तक खेत में ही। अरे तो क्या हुआ, खुला खुला है, हवा लगती है। बताओ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आप तुम्हें क्या लगता हमने कोई तरक्की नहीं की? अरे वाह, हम क्या अभी तक पिछड़े हुए हैं? अभी बताता हूँ तरक्की क्या की हमने। इधर आओ मेरे साथ, आओ आपको तरक्की दिखाएं, हम दिखाएं तरक्की। ये देखिए, ये हम हैं श्री फुम्मन लाल, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अभय सिंह जी तोमर, ये जिला अधिकारी श्रीवास्तव जी, ये रामलाल जी ML, MP बजरंगी जी, ये तिवारी साहब पार्टी के प्रेसिडेंट, इन सब ने अपनी पार्टी के लिए हमको इस गांव का अध्यक्ष बना दिया है, और थोड़े दिनों में हम प्रधान बन जाएंगे, यही हमारी इच्छा है भाई। लेकिन ये डब्बा नहीं छोड़ेंगे। अरे हम आपसे बाद में भेंट करेंगे, आपातकालीन स्थिति गंभीर होती जा रही है, गुड़गुड़ हो रही है पेट। भगवान भी इस नमूने पे हंसता होगा। सुन लो बात इनकी। कहते हैं बंदर बूढ़ा हो जाए लेकिन गुलाटी मारना नहीं भूलता। बाबूजी। शिवू जी तेरे बेटे, अचानक ना चिट्ठी ना खबर। खबर कैसे भेजता बाबूजी? इस गांव में ना कोई फोन है ना कोई साधन, अगर चिट्ठी भेजता तो पहले मैं आता, चिट्ठी बाद में पहुंचती। पिछले महीने जब माँ और आप शहर आए थे तो बोला तो था कि रिजल्ट के बाद मैं आ जाऊंगा। मिश्रा जी, हमने तो सोचा था कि शहर में पढ़ लिख कर आपका बेटा सब संस्कार ही भूल जाएगा, पर नहीं, ये तो। चाचा जी, विद्या संस्कार को निखारती है, वो विद्या ही क्या जिसे हासिल करके इंसान अपना अस्तित्व खो दे। जुग जुग जियो बेटा। वाह, क्या बात कही है। आखिर बेटा किसका है? पंत राजेंद्र मिश्रा जी का। चल बेटा घर चल, तेरी माँ तुझे देख कर खुश हो जाएगी। आजा आजा, अच्छा फिटे बाबू जी। हाँ। ये तो मेरा शिवम है। माँ। अरे मेरा बेटा शिवम,
तू आ गया, कैसा है? ठीक हूँ माँ। आजा 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 अंदर। पता है बेटा, मुझे कल तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे बाबूजी से कहकर तुमसे मिलने के लिए शहर चली आऊँ, और देखो ना, मेरा बेटा ही आ गया मुझसे मिलने के लिए। बैठो ना बेटा। ये लो बेटा, पानी पी लो। क्या बात है, बेटा घर में आ गया तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं बची। अरे भाई, एक गिलास पानी हमें भी पिला दे। अपनी बात कर रहे हो बेटा, जरा इनसे पूछना, इन्हें हमारी फिक्र कहाँ है? फसल कट चुकी है, मंडी में जा चुकी है, अब इनके पास काम ही क्या बचा है? लो, सुनो। बस चौपाल में बैठकर प्रवचन करते रहते हो। हाँ, नहीं तो घर में बैठ के तेरे प्रवचन सुनता रहूं। अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मेरा बेटा आ गया है ना, अब मेरा मन लगा रहेगा। भगवान, इसे वकालत करनी है ना तो शहर में ही रहना पड़ेगा, वरना इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा? तो तू चला जाएगा? अरे तेरी खोपड़ी में भूसा भरा है क्या? अरे गांव में रह के ये वकालत कैसे करेगा, यहाँ कोई कोर्ट कचहरी है? माँ, शहर यहाँ से कितनी दूर है, पढ़ाई के कारण मैं नहीं आता, अब तो आता जाता रहूंगा। बेटा, अब तू ये आंख मिचोली बंद कर दे। तू नहीं होता है ना तो मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि तू हमेशा हमारे साथ यहाँ गांव में रह जाए। माँ, मैं इस गांव में नहीं रह सकता। क्या है इस गांव में, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं। आप दोनों मेरे साथ शहर चलिए। नहीं शिबू, इस गांव की मिट्टी से हमारे खानदान का एक रिश्ता जुड़ा है बेटा। इंसानी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पर मिट्टी से जुड़ा हुआ रिश्ता कभी खत्म नहीं होता बेटा। इंसान खत्म हो जाता है, तू शहर में जाके रह, हम तेरे पास आते रहेंगे। अरे सर, आप तो कहिए मैडम, क्या प्रॉब्लम है? केस दर्ज करवानी है। अरे मैडम, हमारे सर बिना रिपोर्ट लिखे ही केस सॉल्व कर देते हैं। मेरा केस सॉल्व करना इनके बस की बात नहीं है। आप रिपोर्ट लिखिए और चलकर उस आदमी को अरेस्ट कीजिए। पहले आप अपना प्रॉब्लम तो बताइए कि उसने किया क्या है। चोरी की है, डाका डाला है, या फिर किसी ने छेड़ा है आपको? नहीं मैडम, तो उसने ऐसा क्या कर दिया कि आप उसे अरेस्ट करवाना चाहती हैं? बलात्कार किया है, रेप किया है उसको। रेप? साला, ऐसा आदमी की तो सड़क पे नंगा दौड़ा कर गोली मारना चाहिए। अरे सर, अगर गोली मारनी है तो नंगा करने की क्या जरूरत है? ड्रामा सर, ठीक है, आप ये बताइए कि रेप किसका हुआ? मेरा। माफ कीजिएगा मैडम, आपकी होली से लग नहीं रहा कि आपके साथ हुआ है। कोई लड़की खुद पर इतना भद्दा दाग क्यों लगाएगी? ये भी ठीक है, चलिए अभी अरेस्ट करता हूं उसको, और आपके सामने ही ऐसी सजा दूंगा उसको कि उसकी आत्मा की भी फट जाएगी। नाम तो बताइए मैडम। अभय सिंह तोमर। अभय सिंह तोमर इस राज्य के मुख्यमंत्री। नहीं मैडम, मैं आपसे रेपिस्ट का नाम पूछ रहा हूँ। रेपिस्ट? मैं वही बता रही हूँ। रामाश्रय, समझाओ इसे। मैडम, आप जिस पे इल्जाम लगा रही हैं ना, वो आपकी दादा की उम्र के होंगे। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सच कह रही हूँ, और मैं साबित कर सकती हूँ। जब आप साबित कर सकती हैं तो करिए, लेकिन हम रिपोर्ट तो नहीं लिखेंगे मैडम। क्यों, अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? जिन पे आप इल्जाम लगा रही हैं ना, इस प्रदेश के लोग पूजते हैं उनको। हम जानते हैं वो औरत की कितनी इज्जत करते हैं। हाँ हाँ, और इज्जत देते हैं इसलिए तो इज्जत लेते हैं। सर आप ही तो, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं या नहीं? नहीं 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 लिखेंगे। क्या यही कानून है, यही इंसाफ है?
आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी लड़कियों की तरह डर कर चुप बैठ जाऊंगी। बोला ना, रिपोर्ट तो अब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। सर, आप तो महान हो, क्या आपको लगता है वो गई? पता नहीं। सर, वो आ गई। कौन? वो रेप करने वाली, मेरा मतलब रेप करवाने वाली, किसी को साथ लेकर आई है। बुढ़ा। हाँ, ये देखो आ गए। यही है वो जिन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। तारीफ। शिवम मिश्रा, मैं इनका वकील हूँ। बाबूलाल बाराबंकी, थाना इंचार्ज, राम आश्रय। आप इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे पूछो तो सही, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रही हैं? पता है, सीएम साहब के खिलाफ। तो अब हम ये कुर्सी के खिलाफ कैसे रिपोर्ट लिख लें? वाह, आम आदमी के लिए कानून अलग और सीएम साहब के लिए अलग, ये कौन सा इंसाफ है? अरे ब्रह्मचारी है वो। क्यों, ब्रह्मचारी इंसान नहीं होता? और गलती तो इंसान से ही होती है। रिपोर्ट लिखो। हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते। मतलब आप डर रहे हो? बहन जी, क्यों आप हमारे पीछे पड़ी हैं? और भी तो थाने आते हैं, और भी इंचार्ज हैं कि नहीं? मगर ये केस आपकी पुलिस स्टेशन के हद में आता है। हदों का हमें नहीं पता। हम सीएम साहब के खिलाफ रिपोर्ट लिखेंगे तो ये वर्दी उतर जाएगी। मैं ऊपर तक जा सकता हूँ? ऊपर तो छत है, उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। मैं एसपी साहब की बात कर रहा हूँ। करे, एसपी साहब बोलेंगे तो हम रिपोर्ट लिख लेंगे। हाँ, हाँ। रिपोर्ट तो आपको लिखनी ही होगी। और यदि हम कहें नहीं तो? तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। तो उसी रास्ते से जाओ ना भैया, ये नो एंट्री में कहाँ जा रहे हो? ठीक है। कहाँ? अभी पता चल जाएगा। सर, सर, अब क्या करेंगे? सर, इसने तो मीडिया बुला लिया। अरे जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। इसका मतलब हम शहर की तरफ भागेंगे। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने फोन पर बताया किसी का रेप हो गया है और पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर रही है। यस। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से क्यों इनकार कर दिया? ये आप पुलिस वाले से पूछेंगे तो ही ठीक रहेगा। अरे सर, अब समय नहीं मिला, नहीं तो हम तो अच्छे से। हाँ पूछिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने रिपोर्ट लिखने से इनकार क्यों कर दिया? अब जिन्होंने आपसे शिकायत की है उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए मैडम, हम लोग तो इनोसेंट है फॉर बेटरमेंट। लगा दिया है? साला घर वाले देखेंगे, न्यूज में आ रहा है पापा। वो तो कहते हैं आप सब जानते हैं, आप ही बताइए सच क्या है। अगर इंस्पेक्टर साहब मेरे मुँह से सुनना चाहते हैं तो मैं ही बता देता हूँ। सर, ये तो नाम बताने जा रहा है। मीडिया वाले हैं, नाम सुनते ही भाग जाएंगे। मैं जो कहूंगा उसे टेलीकास्ट करने की हिम्मत है आप में? सर, जर्नलिज्म एक फियरलेस जॉब है। जर्नलिस्ट उसी को कहते हैं जो सच्चा हो, ईमानदार हो और निडर हो। आप बेझिझक होके कहिए। वकील साहब, कुछ नहीं होना है, कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी, कोई न्यूज टेलीकास्ट नहीं होगा। मैं टेलीकास्ट करूंगी। अच्छा, मैं टेलीकास्ट करूंगी। लाइव टेलीकास्ट करोगी? यस, ऑफ कोर्स। तो आप इन्हीं से पूछ लीजिए, ये आपको सब कुछ डिटेल में बताएगी। ये है अंजलि। अंजलि सुप्रिया, 24 नेटवर्क से। और ये है हमारे कैमरामैन गौरव। सर, ये तो टेलीकास्ट कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक लड़की का रेप हुआ है और पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही, क्यों? आइए उन्हीं से पूछते हैं। हाँ तो मिस अंजलि जी,
जो भी सच है उसे बिना डरे 24 नेटवर्क न्यूज चैनल के जरिए हमारे दर्शकों को बताइए। मैं पटुतिंगा के माधोपुर गांव से हूँ। मैं शहर में पढ़ती हूँ। मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। डोनेशन देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। कॉलेज वालों ने कहा कि सीएम साहब का रिकमेंडेशन लेटर लेके आओ, एडमिशन मिल जाएगी। मैं सीएम साहब के घर पहुंची बिना अपॉइंटमेंट के। मुझे रिकमेंडेशन लेटर तो नहीं मिला, पर सॉरी। इतनी दुख भरी कहानी है बेचारी। राम आश्रय, पुलिस रोती नहीं है। नहीं, रुलाती है। करेक्ट। देखा आप लोगों ने, एक चीफ मिनिस्टर जो राजनीति की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा है, उसने एक मासूम सी जिंदगी के साथ क्या खेल खेला, और पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से डर रही है। कहाँ मिलेगा इंसाफ, कैसे होगी सुनवाई, ऐसे चीफ मिनिस्टर की सजा क्या होनी चाहिए, इसका फैसला आप कीजिए। पट्टुतिंगा के छोटे से गांव माधोपुर की मासूम सी लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या अब भी हमारी जनता सोती ही रहेगी? ये सीएम भी ना एक दिन मुझे मरवा देगा। खुद तो मर रहा है साला, और ऊपर से मुझे ये उम्र है रेप करने की। एक तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या है? ये आपकी आखिरी चाय। आखिरी चाय क्यों? वो दूध फट गया है जी। दूध भी क्या? अच्छा एक काम करो, उसको सिलाओ। दूध को? सीएम को सिलाओ। सीएम को सिला दे? कैसी बात करते हैं जी। लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ, शायद मेरा भेजा भी आउट हो गया। तेल लगा दूं सर में? अरे तेल लगा के क्या फायदा, लगता है अब हमें तेल ही बेचना पड़ेगा जिंदगी भर। तो गनीतागिरी छोड़ देंगे जी? अब मैं कौन होता हूँ छोड़ने वाला, जनता मेरे पिछवाड़े लात मार के मुझे भगा देगी। क्यों जी? क्योंकि हमारे प्यारे सीएम साहब जो है ना, उन्होंने एक लड़की का रेप किया है। मंत्री जी ने? ना, ये तो उन पर झूठा इल्जाम है जी। वो तो फरिश्ता है जी, फरिश्ता। अरे काहे का फरिश्ता, फरिश्ते को शैतान बनने में टाइम नहीं लगता है। लगता है ये जनता कल्याण पार्टी तो डूबेगी और मुझे ही लेके डूबेगी। आप काहे टेंशन आते हैं जी? काहे टेंशन? वो रामलाल एमएलए है ना, अरे आपसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। हाँ श्रीवास्तव, सीएम ने लड़की का रेप नहीं किया है बल्कि पूरी की पूरी पार्टी का कर दिया है। और वो बजरंगी पिछले 15 साल से एमपी की कुर्सी पर चिपका हुआ है, वो चिंता करे। ये लड़की कितना सच बोल रही है और कितना झूठ, मैं जल्दी पता लगाऊंगा। अरे पता क्या लगाना है, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। समझ में नहीं आता है ये 75 साल के बुढ़े ने ये कीर्तिमान कैसे कर दिया। पैर तो उसके कब्र में लटके हैं। लेकिन धड़ तो कब्र से बाहर है, सारा काम उसी से चलता है। तिवारी जी, मुझे लगता है ये किसी का षड्यंत्र है। पता नहीं षड्यंत्र है या सीएम साहब का, इस वक्त कुछ नहीं कह सकते हम। और कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ वक्त का इंतजार करना होगा। मुझे तो इस बात की चिंता है कि अपोजिशन में सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है अनुभव, देखना वो कैसे जहर उगलेगा। जश्न मनाएगा जश्न। आशिक तो डरता है केवल दो नैनों के वार से। hey! Hey! Hey!
लड़ी गया बैरी ततैया। ओ बीच बुजरिया गोरी बिजुरिया तू चमकाती जावे, तेरी जवानी चुंबक जैसी आशिक जीता जावे। तेज लाल मिर्ची हो पहली पान बनारस का, इश्क जहर है चखना छोड़े नहीं तेरे बस का। आइए सर, आइए। खबर पक्की है? एकदम पक्की सर। सर टीवी के हर चैनल पर यही न्यूज चल रही है, रूलिंग पार्टी तो हिल गई होगी। यही सही मौका है एक्शन लेने का। सर ज्यादा एक्शन मत लीजिएगा, आपको बीपी की शिकायत है ना। पार्टी की मीटिंग बुलवा ताकि आगे की प्लानिंग का पता चले और रोलिंग पार्टी की नींद उड़ जाए। अरे नींद तो क्या चैंप है, उड़ गया हमारा। खुद को ब्रह्मचारी कहता है और ये ठरके कैसे बन गया अचानक। ये पिछवाड़े लात मारता तब भी बात समझ सकते थे, लेकिन इसने तो पेट पे लात मारी है। अगर कुर्सी खिसक गई ना तो फिर समझो भूखे मरेंगे और क्या। आज तक हम ऑपोजिशन को गाली देते थे, अब गाली खाने के दिन हमारे आ गए। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जनता कल्याण पार्टी पर ऐसा धप्पा लगेगा। ये तो वो बात हुई ना, खुद की फटी पड़ी और दूसरों की सिला रहे। क्या बात कर रहा है सर, मुझे नहीं लगता सीएम साहब ने किया होगा। क्यों नहीं किया होगा, ताला लगा कर रखा है क्या? सर वो ब्रह्मचारी है, शाकाहारी है और बलात्कारी भी है। हाँ 75 साल की उम्र है उनकी सर, वारंटी पीरियड के बाहर भी हो गए। मुझे नहीं लगता सीएम साहब ऐसा कर सकते हैं। वैसे तो हमारी पार्टी उनके कारण जिंदा है, उन पर ऐसा इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। बजरंगी, इस वक्त हमें सीएम को नहीं पार्टी को बचाना है। अब वो पार्टी किसी भी सूरत में नहीं बचेगी, उस पार्टी को जरूरत है सर्विसिंग की। अब हमारी पार्टी राज करेगी, SSP समाज सुधार पार्टी अब राज करेगी। उन लोगों ने बहुत लूटा है जनता को, अब हमारी बारी है लूटने की। इडियट, सत्ता चलाने की। सत्ता चलेगी और जरूर चलेगी। अरे घंटा चलेगी, मुझे नहीं लगता इस मामले में सीएम को कोई सपोर्ट करेगा। ये तो वो बात हो गई ना, मतलब समझे ना, रेप किया उसने, किसने? उसने, और बच्चे को गोद ले रहे हम। बात सही है, जो सपोर्ट करेगा वो भी पार्टी से बाहर होगा। तो क्या करना क्या है? करना हमें है, हम उस लड़की का सपोर्ट करेंगे। हम उस लड़की के शोल्डर से शोल्डर मिलाकर चलेंगे। नहीं चल सकते सर, आपको गठिया की बीमारी है। तू बार बार मेरी बीमारियां क्यों याद दिलाता रहता है? ये मेरा फर्ज है ना सर। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ याद मत दिला। सर खुशी से भी आपको अटैक आ सकता है, आपको हार्ट। तेरी मेरी कौन सी चीज ठीक है बता बता। वो 75 साल का बुड्ढा वहां रेप कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, शर्म आती है मुझ पर। आप नहीं कर सकते ना सर। क्यों नहीं कर सकता मैं? आप शरीफ आदमी है ना सर। मैं सीएम बनूंगा और वो बुड्ढा रेपिस्ट अपनी पार्टी को लेकर डूबेगा, देखना। सीएम मैं बनूंगा, मैं। अंजलि जी, आपकी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए जो आपने मीडिया को ही अपने साथ शामिल कर लिया। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और इंसाफ पाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे मैं वो उठाऊंगी। और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम कानून जानते हैं, अपना हक लेना जानते हैं। हम इस सोई हुई सरकार को जगा देंगे या बदल देंगे। देखा श्रीमान, धमकी दे रहा है आपको। आपने ऐसा क्यों कर दिया? अरे मुझसे कहा होता तो मैं आपके लिए किसी दिल बहलाऊ बाला की व्यवस्था कर देता। मेरा मतलब है कि आइटम गर्ल की। ज्ञान प्रकाश जी श्रीमान, तुम्हें ये लगता है कि मैं ऐसी ओछी हरकत कर सकता हूँ? हमारे कहने ना कहने से क्या अंतर पड़ता है श्रीमान? चित्र पर लगा कलंक निकल सकता है, परंतु चरित्र पर लगा कलंक नहीं निकल सकता, मनुष्य निकल लेता है। ज्ञान प्रकाश,
मैं यही हूँ श्रीमान। कैरेक्टर शुड बी योर मेन गोल जी, एंड सक्सेस शुड बी योर स्टेपिंग स्टोन। ये हमारे पिताजी की सीख थी जी, जिसका मैं जिंदगी भर अनुसरण करता रहा जी। जी मुझे किसी की परवाह नहीं है। ज्ञान प्रकाश जी, जी श्रीमान। सच्चाई जानना है तो समय का इंतजार करो जी। विश्राम चाहिए। ये और कितना इंतजार करेंगे, लकड़ी के बिना तो चल नहीं सकते। इन्होंने रेप कैसे किया होगा यार, ये सब इतना शरीर में नियंत्रण नहीं। अपोजिशन का हाल मालूम करना पड़ेगा भैया। ये नैया तो अपोजिशन। रामविलास को बोलो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, समझे? हेलो हेलो बनवारी लाल जी, मैं ज्ञान प्रकाश बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री निवास से। सर सीएम साहब के यहाँ से उनके पीए का फोन है। हाँ कहिए ज्ञान प्रकाश जी, कैसे याद किया? अब तो आपको ही याद करना पड़ेगा, हवा जो बदल रही है। बहुत समझदार हैं आप। भाई हम तो पार्टी के आदमी हैं नहीं, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है बस उसके सेवक बन जाते हैं। चिंता मत कीजिए, जल्दी आ रहे हैं, सेवा का बहुत बढ़िया मौका देंगे हम। थोड़ा होशियार रहिए अनुभव जी, इतना सरल नहीं है। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, बच्चा कितने महीने में पैदा होता है? औसतन 9 महीने तो लग जाते हैं। मैं 10वें महीने में पैदा हुआ हूँ। और 10वें महीने में जो बालक पैदा होता है ना, वो तंदुरुस्त होता है। मैं पैदा तो तंदुरुस्त हुआ मगर मेरी माँ मर गई। हमारे खानदान में बहुत बड़ा हड़कंप मच गया और यही इस दुनिया में मेरा इंट्रोडक्शन है, समझे? सत्ता में आऊंगा, देरी से आऊंगा, तंदुरुस्त होकर आऊंगा और हड़कंप मचाऊंगा मैं। क्या बात है, आइए 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 श्रीमान जी, स्वागत है आपका, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जी। जय हिंद। हाँ जय हिंद जय हिंद। दीजिए सर। दुश्मन पार्टी फोन करने लगी, इस बात पे मुंह मीठा करवाइए। सर आपको डायबिटीज है ना सर? जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला मंडल जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ये भी आ गए, अब ये मुद्दे को ऐसा उछालेगी ऐसा उछालेगी। ये साला मुन्नी पे रेप नहीं भी हुआ होगा ना तो रेप करवा के सीएम के पास लेकर जाएगी और कहेगी रेप हो गया, मुन्नी पे रेप हो गया। अब इस भेड़चाल में हमको भी चलना पड़ेगा। मैं यहाँ के महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ, शांति देवी। मैं महिलाओं पर अत्याचार और अनाचार होते नहीं देख सकती। क्या हो रहा है कि कोई भी महिलाओं के चरित्र पर कलंक लगा देता है और कोई कुछ नहीं बोलता? महिलाओं के चरित्र का दोहन होता है और कोई कुछ नहीं बोलता? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। नारियों के बहुत सारे रूप होते हैं लेकिन ये मर्द जात नारियों को एक ही रूप में क्यों देखती है? हम लोग कब तक इन मर्दों के जुल्मों का शिकार होते रहेंगे, कब तक? नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त आ गया है अपने अधिकार छीन कर या लड़ कर लेने का। कब तक महिलाओं की इज्जत को इस तरह सरे बाजार उछाला जाएगा? अब हम चुप नहीं बैठेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला मंडल। हे हु इज शी? शी इज सेक्रेटरी ऑफ वुमेन्स एसोसिएशन। अब ये क्या करेगी? ये पता करेगी कि रेप कैसे और क्यों हुआ। फिर ये लोग सिचुएशन को ऐसा बना देंगे
कि देखने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि रेप करके बचा कैसे जाए। एकदम बराबर छे। रॉन्ग छे रुस्तम, देखना ये शांति अंजलि को इंसाफ जरूर दिलाएगी। शांति गड़बड़ करेगी, उसका चेहरा दिखने में बैंडिट क्वीन जैसा है। खबरदार जो तू महिला मंडल निवासी कभी झूठ बोलियो तो। अरे चुप रे, अखा दुनिया का औरत लोग एक जैसा ही छोटा है। तो तने सु लगे अंजलि झूठी छे? एकदम झूठी छे, इसीलिए तो उसका रिपोर्ट नहीं लिखता है पुलिस वाला। रिपोर्ट तो लखोच पर से। अरे नहीं लग से। लिखेगी पुलिस, जरूर लिखेगी। लगी शर्त? अब शर्त नहीं लगाओ तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। वो कहा है ना, आप शर्त हमेशा हार जाते हो। और देखो शर्मा, ओ इस बार ना मैं शर्त जीत के बताऊंगा। कुछ क्यों, ऐ कोई क्रिकेट मैच है, है? और देखना मैं जरूर जीत के मैं तेरे को बताऊंगा। करेक्ट, मैच तो फिक्स होती है। ओ गंजे, गवाह रहना और शर्त भूलना नहीं। ए, मुझे पता है तुम दोनों में शर्त लगी है कि पुलिस रिपोर्ट लिखेगी या नहीं। मैं गवाह हूँ। बिना गवाह सबूत के पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी। अरे यार, छोटी सी बात का इशू बना रखा है। What do you say, चांदनी? I think CM से इसका टाका भिड़ा होगा। CM ने टेस्ट चेंज करने के लिए कोई और ढूंढ ली होगी। बस ये जल गई। देखो, तुम हमारी बेटी के समान हो। तुम्हारा दर्द हमारा दर्द है। ये समझो कि रेप तुम्हारा नहीं, हमारा हुआ है। हम तुम्हारा दर्द महसूस कर सकते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए बस। मिलेगा, जरूर मिलेगा। राम हसरे। ए राम हसरे। नहीं। अरे फोन उठाओ। उठाया था सर, रख दिया। जब भी इस फोन की घंटी बजती है मेरी घंटी बजने लगती है सर। उसका तो एक ही बार बलात्कार हुआ है, ये हमारा बार बार क्यों कर रहे हैं? अब की बार घंटी बजी तो आप ही उठाइएगा। हाँ। अरे तो अब हम क्यों डरे? अरे पुलिस में है, कोई चोर लफंगे है क्या? अरे कानून तो कहता है रिपोर्ट लिखो और सीएम को अंदर करो, लेकिन एसपी से लेके एमपी तक का फोन आ गया कि रिपोर्ट ना लिखूं। करूं क्या? वैसे आपने क्या सोचा है सर? सोच रहा हूं कुछ ऐसा करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो सांप को लाठी से क्यों मारना, पत्थर से मारिए। उठाना रामा से, उठाना। हेलो, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, रॉन्ग नंबर है। अबे मैं एसपी सिंह बोल रहा हूँ, गधे कहीं के। अच्छा, उन्हीं को देता हूँ। सर आपका फोन है। हेलो इंस्पेक्टर बाबूलाल। जी सर। अरे वो ऑपोजिशन लीडर वहां आ रहा है, उसकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखना। ओके जी सर। एक और सांप अपने बिल से बाहर निकल रहा है। अच्छा, तो सपेरे को बुलाऊं? नहीं रामाश्रे, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। समाज सुधार पांडे जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री लगता है रेप का रियलिटी शो होने वाला है आज। देखो ना, इतनी भीड़ तो नेता के भाषण में भी नहीं जमा होती। होगा होगा, एक ना एक दिन ये जरूर टूरिस्ट स्पॉट होगा। अरे भाई बिल्कुल, देख चाट वाला भी आया है। चाट नहीं खा सकते आप, आपको बवासीर है। गौरव, यस लेट्स गो। ओके, समाज सुधार पार्टी सर। मैं सुप्रिया। शुक्रिया। 24 न्यूज नेटवर्क से। सर आप तो ऑपोजिशन के लीडर हैं, आपको तो चुनावी मुद्दा मिल गया है, क्यों? देखिए मैं यहाँ कोई मुद्दा हासिल करने के लिए नहीं आया हूँ जी, ना मैं कोई यहाँ वोट बटोरने के लिए आया हूँ, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए नहीं आया। इस अबला नारी पे जो बलात्कार हुआ है, इस भ्रष्ट राजतंत्र में क्या सरकार सो रही है? लेकिन इस लड़की के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए आया। और देखिए
मैं नेता बाद में, पहले एक इंसान। आपकी तारीफ। घटिया, कमीना, षड्यंत्रकारी, सुवर, ऐसे विशेष विशेषणों से विरोधी पार्टी वाले मुझे संबोधित करते हैं, किंतु मैं वो नहीं। मैं तो मोम जैसा, गरम करोगे तो पिघल जाऊंगा, कागज हूं, फाड़ दोगे तो फट जाऊंगा, और लोहा भी हूं, तपाओगे तो तप जाऊंगा। बजरंगी जी, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह आदमी हरामी ज्यादा है या कमीना ज्यादा है। और नहीं तो क्या? ये हंसने की बात नहीं है। ये इस इश्यू में इन्वॉल्व हो गया है, हमारे लिए खतरे की बात है। अब विरोधी पार्टी वाले मुझे यहाँ देखकर डर गए होंगे। भाई मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं नेता बाद में हूँ, पहले एक इंसान। तू तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है चूतिए। देखिए, सीएम होने का मतलब ये नहीं कि किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दे, एक गली को कुचल डाले। वो ब्रह्मचारी कहता है पर है बलात्कारी। अरे बकरी की खाल में भेड़िया है वो भेड़िया। आप ही के लिए कह रहे हैं, कुछ कीजिए श्रीमान। अरे पड़े पड़े तो बर्फ भी पिघल जाती है, आप तो फिर भी इंसान है। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं खामोश हूँ, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे मैं कुछ करना ही नहीं चाहता। ज्ञान प्रकाश जी, ये हवा का रुख है, बस अपने आप पहचाने दो। इसमें हर कोई अपनी रोटी सेकना चाहता है, जबकि बात कुछ और ही है। अरे रे रे रे, क्या हालत हो गई है बेचारी की। हे भगवान। मेरी माँ बहन है, इनकी सरकार में ऐसी असुरक्षित है। सर आंसू पूछ लीजिए। फिकर मत करो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, बड़े ही ताज्जुब की बात है, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर आ गए पर सरकार जिनकी है मानो वो गायब ही हो गए हैं। उनका इस इश्यू में क्या कहना है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अनुभव जी की भावनाएं क्या है ये जानने के लिए बने रहिए। हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। अरे बजरंगी साहब, कदम उठा के हम क्या घंटा उखड़ लेंगे? वो तिवारी कुछ नहीं कर रहा है, और ये जो बुढ़ो है ना, वो मुंह काला करके घर में छुपा बैठा है। अरे बाबा, हमें अपनी पोजीशन को संभालना है। अरे हाँ, रिजल्ट कुछ भी हो, हमारी कुर्सी खतरे में आ सकती है। अरे काहे का खतरा? एग्जैक्टली, बहुत खतरे देख चुके हैं। हमें सिर्फ इतना देखना होगा कि किसी भी सूरत में रिपोर्ट नहीं लिखी जानी चाहिए। अरे भाई, मुझे इनसे सहानुभूति है, इसलिए मैं कुछ कह रहा हूँ। आपको जो कहना है मुझसे कहिए। बलात्कार तुम्हारा हुआ है क्या? अंजलि को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, वो इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है। अगर वो बात करने की स्थिति में नहीं है तो दर्द कैसे बताएगी अपना? क्या फायदा, क्या कर लोगे आप उसका दर्द जानकर? सरकार ने तो पुलिस पर दबाव डाला होगा रिपोर्ट ना लिखने के लिए। सब एक जैसे है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, खाते वक्त तो आपस में बराबर हो जाती है। आजमा के तो देख, मुक्का है ये पड़ेगा ना समझो गया काम। तो क्या आपके पास इतना पावर है कि आप पुलिस पर दबाव डाल के मेरी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं? अरे बिना पावर के सत्ता वालों को हिलाते रहता हूँ तो ये पुलिस किस झाड़ की पत्ती है? तो अनुभव जी, जाइए अंदर और आजमाइए अपना अनुभव, और कहिए उस इंस्पेक्टर को मेरी रिपोर्ट लिखने के लिए। जाइए जाइए, खड़े क्यों हैं? समाज सुधार पार्टी जिंदाबाद, अनुभव जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 अनुभव जी संघर्ष करो। सर वो ऑपोजिशन वाला अनुभव आ रहा है। अरे आने दो, डरते हैं क्या? अरे लेकिन हम डरते हैं ना सर। हाँ, पुलिस डरती नहीं, डराती है। अच्छा सर, आप रामाश्रय। प्रणाम नेताजी।
क्या इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की की रपट क्यों नहीं दर्ज कर रहे हो? सीएम के खिलाफ? क्यों? सीएम क्या ये है? हैं? वो बलात्कार नहीं कर सकता क्या? पता नहीं आप पॉलिटिकल पार्टी वाले क्या हैं? ऊपर से ऑर्डर हो तो लिख लेंगे रिपोर्ट। मुजरिम के खिलाफ रपट लिखवाने के लिए किसी ऑर्डर की जरूरत है क्या? अगर आपके हाथ में कोई पावर नहीं है तो उतार दीजिए वर्दी। ए, ये कोई का ब्लाउज नहीं है, पुलिस की वर्दी है। साला जान से ज्यादा प्यार करते हैं इसको, उठवा के फेंकवा दूंगा। अरे कोई सबूत है तो लिख लेंगे ना रिपोर्ट। तो लिख, मैं हूं इस केस का चश्मदीद गवाह। लिख, रपट लिख। बिराजी 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 बिराजी, बैठिए बैठिए बैठिए, पधारिए महाराज। लिखो, उस लड़की को नहीं बुलाएंगे? बुला लेंगे, गवाह हैं आप, कुछ सवालों के जवाब तो दीजिए। पूछो। आप तो चश्मदीद गवाह हैं, तो आपने तो सब देखा होगा। सीएम साहब 75 साल के हैं और पिछले महीने उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, ऊपर से ब्रह्मचारी हैं। आज तक उन्होंने किसी लड़की पर गलत नजर नहीं डाली, फिर अचानक इस लड़की के कौन सी को देख लिया कि उनके अंदर की हवस जाग गई। मुझे कैसे पता होगा, बलात्कार मैंने थोड़ी ना किया है। नहीं 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 नहीं, आप चश्मदीद गवाह है ना, तो आपने तो सब देखा होगा, बताइए। आप तो खामखा सीरियस हो रहे हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। करेक्ट, कानून भी कोई मजाक नहीं है या कोई पार्टी नहीं है कि कपड़े की तरह बदल लिया। ए इंस्पेक्टर, मुझे कानून मत सिखा, और याद रखना 24 घंटे के अंदर अंदर वो लड़की की रपट दर्ज नहीं की तो अंजाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम। याद रखना 24 घंटा। सर, ये बोल के गया है तो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, आपका टाइम शुरू होता है अब। राम आसरे, बड़ा धमकी भरा माहौल है भाई इस देश में, जो आता है धमका के चला जाता है, क्या करें। बताइए अनुभव जी, पुलिस ने क्या कहा? अरे कहने का क्या है, हमने पुलिस को 24 घंटे की मोहलत दी है कि 24 घंटे के भीतर भीतर अगर ये रपट नहीं लिखी तो ऐसा भूकंप आएगा कि सिर्फ कानून को ही नहीं, ये सत्ता को भी हिला देगा। लेकिन आप करेंगे क्या? घंटा? हाँ घंटा सर, अब एक एक घंटा पुलिस और सरकार को भारी पड़ेगा। बहुत दिनों से खामोश था, इस मुद्दे ने जुबान दी है इसे, अब ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा। यहाँ हमारी हालत खराब है और वहाँ सीएम साहब मूछ भाई बैठे हैं। कुछ कीजिए श्रीमान, इस तरह शांत बैठे रहने से सब बंटाधार हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। चलिए माना कि आपने कुछ नहीं किया। मतलब क्या है तुम्हारा ज्ञान प्रकाश, किया नहीं किया? अरे भाई मैं इस लड़की से मिला तक नहीं हूँ। तो फिर किस कन्या से मिले आप? अरे मैं किसी कन्या से नहीं मिला, ये इल्जाम मुझ पर सरासर झूठा है। आपके कहने से क्या होता है महाशय, अनुभव ने 24 घंटे का समय दिया है और आपको बदनाम करने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है। क्या करेगा, कानून अंधा है। नहीं, कानून अंधा नहीं है, कानून की आंखों में काली पट्टी बंधी ताकि वो ये देख न सके कि फैसला किसके खिलाफ हो रहा है। मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं सब समझता हूं ज्ञान, ना मत हो परेशान, उसे जो करना है करने दो। लेकिन वो करेगा क्या? अरे करने के लिए वो काफी कुछ कर सकता है, उसने छोड़ा हुआ तीर अगर हमारे पिछवाड़े में घुस गया ना तो ना ही हम कुर्सी पे बैठ पाएंगे और ना ही कमोड। तुम दोनों को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। सुनो सुनो, 15 सालों से मजे कर रहे हो, करोड़पति से करोड़पति बन गए, अब मुसीबत आ गई तो घबरा गए? अब घबराने की तो बात ही है ना महाराज, वो सीएम मजे लेके बैठ गया है, वो तो क्या इस्तीफा देके कोने में बैठ जाएगा, हमारी तो फटेगी ना। अरे पीसूंगा तो मैं, आप तो दिल्ली चले जाओगे बाद में मगरमच्छ के आंसू बहाकर, मैं क्या करूंगा?
अरे क्यों एक दूसरे पर भड़ास निकाल रहे हो? अरे इसको देखो ना, पार्टी प्रेसिडेंट कौन है? तिवारी है ना, तो उसको चिंता होनी चाहिए। सर तिवारी। हाँ तिवारी जी कहिए। सर ये क्या हो रहा है सर, जनता भड़की हुई और आप आराम से अपने घर की चार दीवारी में बंद है? देखिए तिवारी जी, ये सब जो कुछ भी हो रहा है इससे मेरा दूर दूर का वास्ता नहीं। लेकिन कोई ना कोई तो बात होगी सर। सर कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिशन वाले इसी मुद्दे को लेकर हमारी सरकार गिरा दे। है तिवारी जी, शबनम की बूंदें कहीं सैलाब नहीं बन सकती। ये अपोजिशन के बस की बात नहीं कि जी वो सत्ता चला लें। सर ये तो बात की बात रही, लेकिन इस मुद्दे को लेकर हमारी सत्ता गिरा सकते हैं वो? सर राजनीति में जो चित गिरता है वही संभल सकता है, औंधे मुंह गिरने वाला खत्म हो जाता है। हमारी जनता कल्याण पार्टी खत्म हो जाएगी। सिर्फ 24 घंटे हमारे पास कोई रास्ता निकालिया? रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि अनुभव जी का अगला कदम क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ये अपोजिशन वाले सिर्फ डरा रहे हैं। वी आर नॉट फूल्स। अरे इनका बस चले ना तो कुर्सी के लिए अपने देश तक को बेच दे। सब के सब पिंप हैं। मुझे तो नहीं आदमी खुद शक्ल से ही रेपिस्ट लगता है। करेक्ट, वैसे भी ये बिल्ली की आंखों वाले बड़े खतरनाक होते हैं। हे गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक, सीएम ने रेप किया होगा? मुझे तो नहीं लगता, जिसके खुद के हाथ पर ठीक से नहीं उठते वो क्या रेप करेगा। खुट्टू छे, ये लोग खामोखा सीएम को फंसाता है। तू तो मर्द है ना। हाँ, इतना साल हुआ तुम्हारा खोपड़ी में घुसा नहीं क्या? आई मीन टू से सीएम ने नहीं किया होएगा, उस बात की क्या गारंटी? मैं गारंटी देता है ना। तू तो मर्द है ना, तो मर्द का ही साथ देगा? अरे नहीं डार्लिंग, मैं तो सच का साथ देता हूँ, अभी तो खाली इल्जाम है। इल्जाम नहीं, ये सच है। अरे 24 घंटा होने दे, उसके बाद मालूम पड़ेगा। पुलिस ने कम्प्लेन लिखा तो सीएम अंडर, नहीं तो उधर का उधर। लगी 60-70 रुपए की पैसा का पर इस बात पर चीयर्स। जुबे, ये मेरी पहली शर्ट का क्या फैसला हुआ है? क्या फैसला? अरे उस शर्ट का फैसला अभी बाकी है, ये दूसरी शर्त है। देख गंजे देख, है ये शर्त लगा के ना बदल जाता है। मैं नहीं बदल जाऊंगा, मुझे पौवा दिला देना। इस बात पर चीयर। अरे ओ बेवड़ा चचवा, इतनी फटे तक काहे पीते हो? मैं पीता हूँ, लेकिन मुझे याद है तुम दोनों में शर्त लगी है। मैं गवाह हूँ। गवाह के बिना इंस्पेक्टर रिपोर्ट नहीं लिख सकता। लिख लिया तो क्या होगा? तो सीएम अंदर, वो फिर बाहर आएगा, फिर सीएम बन जाएगा और फिर रेप करेगा। भाई मैं तो सोचती हूँ इस बार सीएम को मैं सेट कर लूँ, कम से कम नाम तो होगा और दाम भी मिलेगा। ये सीएम ने भी ऐसी हरकत की है, समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करूँ मैं। आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं जी। तो तुम क्या चाहती हो, वो रेप का इल्जाम मैं अपने सर ले लूँ? पैसा हर टेढ़ी चीज को सीधा कर देता है जी। हो सकता है वो छुकरिया पैसा के लिए नाटक कर रही हो। मैं नहीं मानता। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए, हो सकता है हमारा ये आइडिया हमेशा की तरह कामयाब हो जाए। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंजलि को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बलात्कारी मुख्यमंत्री, हाय 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 हाय। बाप रे। महिला मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब क्या करना है देखते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतनी भीड़ तो मेरे भाषण में भी नहीं होती। इस लड़की को अगर टिकट दिया जाए तो ये तो संपूर्ण बहुमत से विजयी हो जाएगी। चलो देखते हैं। अरे क्या बैठा लगा रखा है, बाप की शादी है क्या तुम्हारे? चल भाग। ए हटो, नेताजी है कोई भालूया बंदा नहीं, चलो। गौरव सर, आप रूलिंग पार्टी के पहले नेता है जो यहाँ पर आए, वरना आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। हिम्मत की नहीं, जिम्मेदारी की बात है। तो क्या आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? अरे आप मेरे गले क्यों पड़ रही है, मैं जिम्मेदारी क्यों लूँ? सीएम मेरा पार्टनर है, जो उसकी जिम्मेदारी मैं अपने सर पे ले लूँ? बट सर, बस नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, मुझे अंजलि से मिलना है। आपको जो कहना है मुझसे कहिए, मैं अंजलि का वकील हूँ। तुम वकील? मैं जानता हूँ तुमको, आजकल टीवी पे बहुत छा रहे हो। यहाँ यहाँ एक बात बताओ, शिवम नाम है ना तुम्हारा? ये सब करने से क्या मिलने वाला है? मैं समझ सकता हूँ कि मेरी बोली तुम्हें गाली लग सकती है,
लेकिन राजनीति में सिर्फ महात्मा गांधी सभ्य भाषा समझते थे। ये सब करने से क्या होने वाला है? अंजलि को इंसाफ मिलेगा। हाँ, लेकिन उसकी जो इज्जत लुट चुकी है वो वापस आएगी? कम से कम इस देश के लोगों को तो सबक मिल जाएगा। इस तरह कितनी लड़कियों की इज्जत लुट जाती है, कौन सामने आता है? अंजलि को इंसाफ मिलते ही लोग संभल जाएंगे और लड़कियों की हिम्मत बढ़ जाएगी। यार, तुमने वकालत पास करके बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें नेता बनना चाहिए था। क्या भाषण देते हो? मैं दलाली का काम नहीं करता। क्या दलाली का काम नहीं करता है? कोर्ट और क्लाइंट के बीच में दलाली का ही काम करते हो ना? इसमें दलाली के पैसे ले रहे हो कि नहीं? वो दलाली नहीं, फीस है। वही तुम्हें देने आया हूँ। कौन सी फीस? अरे यार, तुम अंजलि का केस लड़ने जा रहे हो ना, वो तो तुम्हें उतना पैसा नहीं देगी जितना मैं दूंगा। खाली तुम्हें काम करना है, उसे समझाना है बस, ताकि वो खामोश हो जाए। बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम? 10 लाख 20 लाख 40 50? मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसों की जरूरत तो हर किसी को होती है। देख भाई, मैं तुझे मैक्सिमम 1 करोड़ दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। क्या है, उस लड़की की उतनी प्राइस नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया देता हूँ और जाके तुम्हारी बीवी का रेप करता हूँ। यहाँ पर मीडिया है और वैसे भी तुम्हारी पार्टी का नाम बदनाम हो गया है। शिवम जी, क्या हुआ? क्या ये आपकी रिपोर्ट लिखाने में मदद करेंगे? नहीं, ये तो केस ही बंद करना चाहते हैं। वो कैसे नेताजी? आपने बताया नहीं। मैं क्या बताऊं, हमारे सीएम साहब बताएंगे, उनकी पार्टी बताएगी। तो आप क्या हैं? घंटा। मंदिर के बाहर जो टंगा रहता ना, कोई भी आके बजाता टंग, वो हूं मैं। इस वकील की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी, पता करना पड़ेगा। वो वकील है, समझदार है, वो जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। सुनो, जरा प्यार से समझा दो इसको। जी जी सरपंच जी, ये लोग पार्टी में हैं, सत्ता में हैं, इनके खिलाफ जाना। उमन, तुम इस गांव में रहते हो ना, तुम्हें पार्टी के बदले गांव की भलाई सोचनी चाहिए। फिर भी ये लोग शहर से यहाँ तक आए हैं, कुछ तो मान रखिए। ठीक है ठीक है, मैं कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। देखिए भाई साहब, अपने बेटे शिवम से कहिएगा कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ जो केस लड़ने जा रहा है ना, भूल जाए उसे। क्षमा कीजिएगा नेताजी, मैं उसके काम में दखल नहीं देता। अब जा सकते हैं। जय सियाराम। देखो पोमन, इस बुढ़ाओ के दिमाग का कुछ इलाज करवा जी। उससे कहो ये अपने बेटे को समझाए, ये केस वे सब भूल जाए। अरे नेताजी, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना, सब समझा दूंगा। दोस्तों, 24 घंटे होने को हैं और हमारी ये पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हमारी सरकार को सांप सूंघ गया है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये राज्य सरकार को लगता है कि अनुभव जो है वो गीधड़ भपकिया दे रहे हैं। सर, गैस की गोली तुम चुप। जब पब्लिक गैस पे है, तुझे मेरी गैस की दवाई की पड़ी है। दोस्तों, अब लड़ाई करने का वक्त आ चुका है और जब तक अंजलि को इंसाफ नहीं मिलता तब तक मैं लड़ता रहूंगा। समाज सुधार पार्टी जिंदाबाद, समाज सुधार पार्टी जिंदाबाद। देखा देखा, कितना बंडलबाज और काइया आदमी है ये, अब भी आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे मुझे तो टेंशन हो रही है। कैसी टेंशन? 24 घंटे के अंदर ये गोबरचंद जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगा। तब मैं क्या करूं भाई, पॉलिटिक्स में ये सब होता ही रहता है। तो आप भी कुछ कीजिए ना। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, नेता हूँ, लीडर। लीडर और पॉलिटिशियन में बहुत बड़ा फर्क होता है। परंतु महाशय, वो आप पर इल्जाम लगा रहा है और जो सच्चाई है वो आप मीडिया को क्यों नहीं बता देते? मैं अगर कुछ बताऊंगा तो बात बहुत बढ़ जाएगी और दूर तलक जाएगी। दूसरी बात कि हाई कमान ने मुझे मुंह बंद रखने के लिए कहा है। मुंह बंद रखेंगे तो लोगों को सच्चाई का कैसे पता चलेगा? ज्ञान, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। महाशय, मेरे मन में एक विचार आ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो कहूं? हाँ हाँ कहो। थैंक यू। आप एक मीटिंग अनुभव जी से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कम से कम उन्हें तो सच्चाई का पता चले। वो सच्चाई जानता है। जानता है? तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसे भी पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज है। इंसानियत से ज्यादा ताकतवर
पॉलिटिशियन होता है वो जब इंसान पर हावी हो जाता है तो इंसान गिर जाता है। देखना तो ये है कि अनुभव जी और कितना गिरते हैं। हमारे देश में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। हमारे देश में नारी की पूजा होती है। जिस देश में देवी की पूजा होती है उस देश का एक मुख्यमंत्री अपने ही राज्य की एक बेटी पर बलात्कार करता है। क्या ऐसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं इस सरकार को सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बेटी अगर कल को उठ के समाज में सम्मान भरी जिंदगी जीना चाहती है तो क्या वो जी पाएगी? क्या वो अपने ऊपर हुए बलात्कार को भूल पाएगी? सरकार इस सवाल का जवाब दे मुझे। ऐसी कितनी बच्चियां अत्याचार की शिकार होती होंगी? ऐसी कितनी अबलाएं अपना जीवन खत्म करती होंगी? क्योंकि इन अबलाओं के पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं रह जाता। ऐसी लड़कियां आत्महत्या करती हैं। शहद पीकर अपना जीवन खत्म कर देती हैं। पल पल मरने से अच्छा है ऐसा ही आप लोग सब ठहरिए, आप चलिए। हमारी सरकार। इस दरवाजे की तरह अगर अंजलि की जिंदगी का दरवाजा बंद हो गया तो आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगे की अपडेट्स बस कुछ ही देर में। अगर अंजलि को कुछ हुआ तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। शांति। कहिए, मैं ही हूँ शांति। नहीं मैडम, मैं आपसे नहीं कह रहा था, मैं तो इन महिलाओं को शांत रहने के लिए कह रहा था। तो शांत रहो, ऐसा कहिए ना, अगर शांति शांति चिल्लाओगे तो भीड़ में से न जाने कितनी शांति बाहर निकल कर आ जाएंगी। मैं तो करीब खड़ी थी इसलिए। प्लीज, मैं कुछ कहूँ? आप कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ये आप मर्दों की नहीं हमारी भाषा समझती हैं। और वैसे भी एकता के मामले में मर्दों से ज्यादा औरतों में शक्ति होती है। देखना चाहेंगे? नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनुभव जी, अगर अंजलि मर गई तो आप क्या करेंगे? वो तो मरने के बाद पता चलेगा ना। अगर अंजलि मर गई तो वो अकेले नहीं मरेगी, वरन उसके साथ हर घर घर की, गली गली की, मोहल्ले मोहल्ले की, क्षेत्र क्षेत्र की, गांव गांव की एक एक महिला जलकर मरेगी। और इस तरह हम पूरे देश को ही नहीं विदेश को भी ये बता देंगे कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा जलाकर खाना पकाना ही नहीं जानती हैं, इंसाफ के लिए वो खुद को भी जलाना जानती हैं। हम अंजलि को इंसाफ दिला कर रहेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी सरकार। क्या हो क्या रहा है ये? श्रीमान, अब हुकूमत की सत्ता बदलने के लिए मिलिट्री लेकर धावा बोलने की जरूरत नहीं है, औरत ही काफी है। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर ये औरतें इसी तरह जलती रही ना तो देखते देखते सारा देश जल जाएगा और हम पार्टी वाले इन कुर्सियों के बजाय राख के ढेर पर बैठे रह जाएंगे। इससे सारी दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है सर। इस मामले को हैंडल करने के लिए अब हमें क्या करना है? इंतजार, इंतजार करना होगा। अगर लड़की मरती है तो अलग चाल चलनी होगी और अगर लड़की बच जाती है तो फिर अलग।
दुश्मन की चाल देख के हमें चाल चलनी पड़ेगी। आइए हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि इंसाफ की दुहाई देने वाली अंजलि अब तक बेबस है। ना तो कोई सुनवाई हो रही है और ना ही सरकार की तरफ से कोई सहानुभूति जताई गई है। नमस्कार श्रीमान जी। ये देख, ये अंजलि, इसका बलात्कार हुआ है। ए, लड़की को पहचानता है कि तू? बलात्कार करने वाला इस राज्य का मुख्यमंत्री है जो मीडिया से बात तक नहीं करना चाह रहा। तंग आकर अंजलि ने जहर पी लिया है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। क्या हमारी सरकार सो रही है? कोई इस मामले में कुछ कहना ही नहीं चाहता, मानो सब अपना दामन बचा रहे हैं। हमने जनता कल्याण पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश की, पर किसी ने भी हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं। जाना, तेरे गांव की लड़की अंजलि। नहीं साहब, ये लड़की मेरे गांव की नहीं है। अरे ये क्या बोले तू? क्या बात कर रहे है? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरी पूरी जिंदगी उस गांव में गुजरी है। कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े तक को पहचानता हूँ। ये तो लड़की है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये लड़की मेरे गांव की नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे गांव की नहीं तो फिर कौन से गांव की है? अब ये तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जिसमें हमारी पार्टी फंसती जा रही है। बजरंगी साहब, अगर कुछ सोचे समझे बिना फूंक मारकर हम आग को बुझाने की कोशिश करेंगे तो हम खुद ही उस आग में चल जाएंगे। कुम्मन, तुम पुलिस को लेकर गांव चले जाओ और पता करो कि सच्चाई क्या है। आइए सर, आइए 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 सर। मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी, आओ भूमन। यही है वकील साहब के माता पिता, और ये गांव के सरपंच भी हैं। आपका बेटा किसी लड़की का केस लड़ रहा है। वो दावा करता है कि वो लड़की इस गांव की है, लेकिन भूमन जी कह रहे हैं कि वो इस गांव की नहीं। ये देखिए, ये है वो लड़की। ये लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ इनको, ताकि आप इनको सच बता पाए। खामखा एक लड़की हमारे गांव को बदनाम कर रही है, पता नहीं कौन से गांव की है। जे हुम्मन, लड़की इस गांव की नहीं है तो क्या हुआ? लेकिन लड़की जब ब्याह के एक गांव से दूसरे गांव में लाई जाती है ना, तो वो जिस गांव में आती है उसी गांव की हो जाती है। सर हम बच गए, ये तो शादीशुदा है, केस डिसमिस। सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। तो वो इस गांव की बहू है? है नहीं, होने वाली है। I just see. लेकिन कौन शादी कर रहा है इससे? मेरा बेटा शिवम। हाँ, ये मेरी होने वाली बहू है। कमाल है, तो आपकी होने वाली बहू ने सीएम साहब पर बलात्कार का आरोप लगा दिया, और आपका होनार बेटा अपनी होने वाली पत्नी का केस लड़कर उसे देश भर में बदनाम कर रहा है, और माँ बाप है किसी ना तान का कह रहे हैं कि मेरी होने वाली बहू है। मुझे तो उसे बहू कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है। रोज रोज इस देश में लड़कियों की इज्जत के साथ खेला जाता है, और लड़कियां बेचारी बदनामी के डर से चुप रह जाती है, और बलात्कारियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। लेकिन इस हादसे के बाद लड़कियों में हिम्मत पैदा हो जाएगी, और बलात्कार जैसा जुर्म करने वाले लोग डरेंगे। वाह वाह, क्या भाषण देते हैं आप। अरे इस गांव से प्रधान का चुनाव काहे नहीं लड़ जाते? अरे वो मैं लड़ने वाला हूँ जी, मैं ये नहीं। सरपंच जी, आपकी बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी। अरे इतना सबको जानते हो भी आप उसे अपनी बहू कह रहे हैं? अगर आपकी बहन बेटी या बहू के साथ ऐसा हो जाए तो क्या आप उसे नाता तोड़ लोगे? ए, जुबान संभाल के। क्यों, बुरा लगा? आप ही सोचे ना, इसमें गलती किसकी है? क्या मेरी बहू खुद इज्जत लुटाने गई थी? जो डरेगी क्या मुंह छुपाती फिरेगी? अरे डरना तो मुजरिम को चाहिए। मेरी होने वाली बहू आपके अंधे कानून से इंसाफ मांग रही है, और इस काम में मेरा बेटा उसका होने वाला पति उसका साथ दे रहा है, और आप शर्म करने की बजाय उसकी तारीफें कर रहे हैं। तो आपने अपने किसी मकसद के लिए अंजलि को सीएम साहब के पास भेजा होगा। दरोगा जी, जबान संभाल के बोलिएगा, हम गांव वाले सरपंच के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। सर निकल लीजिए, गांव वाले हमें घूर रहे हैं, कहीं जूते न खाने पड़े हैं। इंस्पेक्टर, जवाब मिल चुका है आपको, अब आप जा सकते हैं। जय सियाराम। इंस्पेक्टर साहब, ये कह रहे हैं तो यहाँ से जाना ही उचित होगा, और जो बात आप पता करने आए थे उसका तो पता चल ही गया।
अब यहाँ पर ज्यादा रुक कर अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फायदा, चलिए चलिए। बड़ा धमकी भरा माहौल है इस देश में। चलिए। ओ, तो ये किस्सा है जी। अब आएगा मजा। ये कहानी नहीं, पूरी नॉवेल है, नॉवेल। हाँ। अरे अब ये समझ लो कि बस बाल बाल बचे हैं। हाँ, वरना तो हमारे सिर्फ बाल ही बचते हैं। नहीं नहीं, और बोल बोल। सर आप तो महान हैं। सरकार, ये पूरे परिवार की मिली भगत है। मुझे इसमें किसी की चाल लग रही है। ये कहीं हमारी कुर्सी खिसकाने की साजिश तो नहीं? अरुण साहब, इसके पीछे सच्चाई क्या है ये पता करना होगा। सच्चाई तो ये है कि हमारी सत्ता को गिराने के लिए अनुभव उस लड़की और उस वकील का इस्तेमाल कर रहा है। मैं उसे बदनाम कर दूंगा, उसी की पार्टी उसे पार्टी से बाहर निकालेगी। मीडिया को बुलाओ। अब तक जो हमने नहीं कहा था वो हम अब कहेंगे। अरे तू सर पे मालिश कर रहा है, सर फाड़ रहा है। सर आप ही ने तो कहा कि सर फटा जा रहा है। तो और फटेगा क्या? सर सर आप यहाँ मालिश करवा रहे हैं और वहाँ सारे एमएलए एमपी हमारी पार्टी की मालिश करने में लगे हुए हैं। क्या बकवास कर रहा है? आप खुद ही देख लीजिए लाइफ। देखिए, वो लड़की और उसका वकील एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब वो दोनों शादी करना चाहते हैं। आई टेल यू, ये सब किया करा है उस अनुभव का ही है। ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए। एक तो खुद तो बदनाम होते ही है, पार्टी को भी बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है ये? अरे ना मैं ये लड़के को जानता हूँ ना लड़की को। खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा मैं। सर आपके दांत सड़ चुके हैं। उंगली सर, आपने जो उंगली की थी ना उसकी वजह से तो केस इतना उभरा है, वरना कब का दब चुका होता। तो सही कर रहा है। आपको सारे लोग लपेटे में घेरने की कोशिश कर रहे हैं सर। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये इस तरह डराने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। अरे इनके पास कोई हथकंडे नहीं है, इसलिए ऐसे फालतू हथकंडे अपना रहे हैं। मैं कोई तिनका हूँ क्या कि कोई हवा के झोंके से उड़ जाऊं? चट्टान हूँ चट्टान, और इस चट्टान को वो हिला भी नहीं सकते हैं। ये वाह भाई वाह, मौका देकर चौका मारा है आपने तो। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अंजलि के बारे में जो कुछ भी आपने पता कराया वह इस केस को बंद करने के लिए काफी है। और दूसरा, अपोजिशन पर निशाना लगाया, बेचारा अनुभव सुनकर बौखला गया है। अपनी पार्टी की इज्जत की रक्षा के लिए जो बन सके मैं करने के लिए तैयार हूं। नेताजी एक बात तो साफ है, जिस घर में रहना है उस घर की नींव तो मजबूत करनी ही पड़ेगी, वरना हवा के कुछ ऐसे झोंके जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। ये अनुभव अपने लिए सरदर्द बन चुका था, लेकिन तुमने उसका सरदर्द बढ़ा दिया है, बहुत छटपटा रहा है। लेकिन उसने किया, उस मैटर को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? क्या है तिवारी साहब, उसने उंगली की है, अपन तो पूरा हाथ। करेक्ट श्रीवास्तव। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर इस मामले को जल्द सुलझाना है तो अंजलि को अरेस्ट करना होगा तुरंत। मगर सर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं उसे किस जुर्म में अरेस्ट कर सकता हूँ? नादान मत बनो एसपी। उसने हमारे सीएम पर इल्जाम लगाया, ये उसका पहला जुर्म है। और दूसरा जुर्म यह है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे अरेस्ट करो और उससे सच्चाई उगलवाओ। सच्चाई यह है कि शिवम और अंजलि अनुभव के प्लांट किए गए लोग हैं। जैसे ही सच्चाई बाहर निकलती है अनुभव को अरेस्ट करो। ये तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सॉरी सर, उसके साथ लोग हैं, मीडिया है और पूरे देश की जनता की सहानुभूति है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जितना कहा है उतना करो। I'm sorry, sir. ये कानून के खिलाफ है और मैं कानून के जिस वर्दी का रोप झाड़ रहा है ना उसी को उतरवा दूंगा, समझे? जितना कहा है उतना कर, चल फोन रख। अंजलि को अब तक होश नहीं आया है, आज दूसरा दिन है। अगर अंजलि मर गई तो यहाँ जितनी औरतें हैं यही जिंदा जलेंगी, और इसके बाद पूरे देश की औरतें जिंदा जलकर हमारे इस मिशन में हमारा साथ देंगी। हमारा कानून हाय हाय, नारी शक्ति जिंदाबाद। इसे कहते हैं नारी शक्ति है मर्दों पे भारी। अरे मुझे शर्म आती है अपने आप को मर्द कहते हुए।
मुझे लगता है कि मैं भी साड़ी पहनकर आप लोगों में खड़ा हो जाऊं और अपने आप पर तेल छिड़क कर मर जाऊं, अपने आप को आग लगा कर अग्नि स्नान करूंगा। कोई मुझे तेल का डिब्बा ले आओ। ए! देखते जाओ, जाओ तेल का डिब्बा लेके आओ। मैं अपने आप को जला कर खाक करना चाहता हूँ। अगर आज अनुभव जी जल कर मर गए तो कम से कम इस पूरे देश के मर्दों को शर्म तो आएगी। इसे कहते हैं सच्चा मर्द। हमने तो फैसला किया था कि अगर अंजलि को कुछ हुआ तो हम सब लोग जलकर मरेंगे, लेकिन अब ये अपनी आहुति देना चाहते हैं। सर, तेल डालो। बच गए तो सीएम की कुर्सी, वरना अमर। पहले अंजलि की श्रद्धांजलि हो जाने दे, बाद में हम हमारा शक्ति प्रदर्शन करेंगे, समझा? दीपा नीचे कर। अनुभव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति हेलो। महिला मंडल ओके। नारी शक्ति सर, मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन था, आपको बुलाया। लगता है जुलाब लग गए। चलो महिला मंडल जिंदाबाद। देखा आप लोगों ने, अब सब कुछ अंजलि जी की जिंदगी और मौत पर निर्भर है। उसके बाद ही फैसला होगा कि अनुभव जी जलेंगे या नहीं। जलूंगा तो जरूर, इसे आप धमकी मत समझिए। देखो अनुभव, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम एक मामूली कार्यकर्ता थे और एक अच्छे इंसान भी थे। फिर तुमने गरीबों की सेवा की, शोहरत पाई, पॉलिटिशियन बन गए। पॉलिटिशियन बनने के बाद तुम बदल गए। मैं ये भी जानता हूं कि तुम जलोगे नहीं, परंतु तुम्हारे कारण दूसरों की जाने जा सकती है। आप काफी समझदार हैं तोमर साहब, इसलिए हम सब लोग आपको राजनीति का पंडित मानते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ। देखो अनुभव, मुझे सीएम बने रहने का शौक तो नहीं है, परंतु मुझे इस बात का डर है कि मेरे हट जाने के बाद कौन इस कुर्सी पर बैठे और इस कुर्सी का कैसा उपयोग करेगा। मैं तो सीएम बनने योग्य। बिल्कुल देख रहा है, और इसीलिए तुम चाहते हो कि सत्ता तुम्हारी हो जाए। उसके बिना तो मैं सीएम बन ही नहीं सकता। अब पहली बार आपके खिलाफ बोलने का मौका मिला है, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी मैं जानता हूँ ये जितने सारे इल्जाम हैं आप पर सरासर झूठे हैं, पर क्या करें, राजनीति है, मजबूरी है। श्रीमान जी, जब आपको सच्चाई का पता है तो आपको तो मुख्यमंत्री जी का साथ देना चाहिए। ज्ञान प्रकाश जी, आपको इनसे कब से हमदर्दी होने लगी? अनुभव जी, नेता वही जो सत्ता का नहीं सेवा का मोह रखे और अपना नहीं जनता का भला सोचे। हाँ सोचूंगा, सोचूंगा ना, जनता का भला सोचूंगा, जनता को अच्छी तरीके से समझाऊंगा क्या है डेमोक्रेसी। सर, डेमोक्रेसी, इन्होंने गलती से सही शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। आजकल नेताओं ने डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बना दिया है। लोकतंत्र लोक यंत्र बनकर रह गया है, एक औजार की तरह लोकतंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? पूर्ण विश्वास है, इसीलिए तो बुलवाया है। फिर देखो, तुम ये सब बंद कर दो है? इस मामले से हट जाओगे तो मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं हट जाऊं? बिल्कुल, मैं इस पूरे प्रदेश में अमन शांति चाहता हूं। अमन शांति चाहते हैं ना? बिल्कुल। तो कुर्बानी तो आप ही को देनी पड़ेगी ना। मैं इस्तीफा दे दूं, इससे तुम्हें क्या फायदा? आप इस्तीफा दे दीजिए और सीएम के लिए मेरा नाम डाल दीजिए, सिंपल। और आपकी पार्टी के लोगों को बोल दीजिए कि वोट देकर मुझे सीएम बना दे। और मैं जानता हूं आपके बाद
कोई नहीं टाल सकता। ये अनुभव जी, ये कैसे संभव है? क्यों? सत्ता हमारी और सीएम तुम। इंडियन हिस्ट्री में ये पहली बार होगा। यदि आप देश का जनता का भला चाहते हैं तो ये निर्णय ले लीजिए। अनुभव जी, कोई और रास्ता नहीं हो सकता? और कोई नहीं सर, मैं कहूं रास्ता है क्या? कुछ ले दे के फैसला हो सकता है। कितना? पार्टी फंड में तो बहुत पैसा है, आप 500 करोड़ दे दीजिए, मैं आपके रास्ते से हट जाता हूँ। अनुभव, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं पार्टी फंड पर नहीं, मैं अपनी तनख्वाह पे जिंदा हूँ। और ये सीएम की पोस्ट छोड़ने के बाद मैं तो किराए के मकान में ही रहूंगा, क्योंकि मैं करप्शन के सख्त खिलाफ हूँ। मैं नहीं हूँ तोमर जी, आपके सामने दो रास्ते हैं, जो मुनासिब समझे फोन कीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए कि आपकी कुर्सी मुझे प्राप्त हो। ये तो बहुत ही जहरीला इंसान है। तुम्हें पता नहीं था? हमें तो पता था, इसलिए मैं उसे बुलाना ही नहीं चाहता था, परंतु तुमने कहा इसलिए बुला लिया। ये तो कुछ भी कर सकता है। अब बात सरकार को हटाने की हो रही है, धीरे धीरे ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। महिला मंडल जिंदाबाद, महिला मंडल जिंदाबाद, सुनिए सुनिए जिंदाबाद। मैं सीएम साहब को मिलने उनके घर गया था, तब पता है वो क्या कर रहे थे? अपने एसी रूम में आराम फरमा रहे थे। और ये जो आंदोलन हो रहा है वो टीवी के माध्यम के जरिए अपने एसी रूम में देख रहे थे। उन्हें लगता है ये तमाशा है, ये आंदोलनकारी चिल्लाएंगे और चुप हो जाएंगे। आज दुनिया देखेगी जब एक सच्चा नेता ठान लेता है तब वो क्या करता है। जैसे ही मैं 3 गिनूंगी उसके बाद आप लोग अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़केंगे और फिर अपने आप को आग लगाएंगे। 1 अजीज कहाँ है? इतनी बड़ी चोटी नहीं मिली तुझे है? जलाऊं सर? चुप। 2 3 ठहरिए। आप सबने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन मैं अपने इंसाफ के लिए किसी की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने अंजलि को दूसरी जिंदगी दे दी। हटिए जरा, मिस अंजलि, आत्महत्या करना कानून अंजुरों में, यू आर अंडर अरेस्ट, अरेस्ट करिए। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी मर्जी नहीं है। आप इस तरह अंजलि को नहीं ले जा सकते। आपको जो कुछ कहना है अदालत में आके कहिए, प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। चलिए। अगर कानून बहरा हो गया है तो हमें भी ऊंची आवाज में बात करनी आती है। अभी सोई हुई सरकार को जगाने के लिए जरूरत है धमाकों की।
सीएम साहब, हम सब मानते हैं कि यह पार्टी आपने खड़ी की है, लेकिन आपकी एक गलती के कारण हम सबको और पार्टी को भी हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। तिवारी जी, इसका जिम्मेदार कौन है ये तो वक्त ही बतावेगा। वो वक्त आने से पहले कहीं हमारा वक्त बुरा ना आ जाए। अरे आ जाएगा का क्या मतलब बजरंगी साहब, हमारा राजनीति का सफर यही खत्म होने वाला है। क्या है नसीम साहब, अब हर कोई आपसे इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो बेटर आप दे दीजिए ताकि हमारी साख बची रहेगी, वरना तो फिर दुकान बंद। और फिर ये इलेक्शन, ऐसे भी लोग हमारी पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, हाँ। जमानत जब्त हो जाएगी। अकलमंदी इसी में है कि आप इस्तीफा दे दें। ठीक है, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन पहले उस लड़की को रिहा करना होगा। बहुत सहानुभूति है उसके साथ। अरे तिवारी जी, आपको हकीकत मालूम है, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन पूरे देश में जो हाहाकार मचा है, शांति का भंग हो रहा है, बगावत के नारे लगाए जा रहे हैं, उसका क्या करें? इसका कारण आप लोग हो। क्यों उस लड़की को आप लोगों ने अरेस्ट किया? वो अनुभव का एक मोहरा थी। गलत गलत, अनुभव का ना उस लड़की से कोई वास्ता है ना उसके वकील से, वो सिर्फ एक अपोजिशन का लीडर मात्र है बस। पर सर, अगर ये अपोजिशन की चाल नहीं है तो फिर सच क्या है? तब तो हम अंजलि की बात को ही सच मानेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरे इस्तीफा देने से मामला संभल सकता है, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार, लेकिन उससे पहले इस आग को बुझाने के लिए अंजलि जी को रिहा करना होगा। ठीक है, मुझे रिहा करवा देते हैं। ठीक है, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर भिजवा दूंगा, लेकिन तिवारी जी, जिस वक्त आप लोगों को सच्चाई का पता लगेगा, बहुत पछताओगे। ठीक है, जय हिंद। आइए संभाल के। चलो ज्ञान। चलो, हमारी जेकेपी की सत्ता बच जाएगी। इतना भी आसान नहीं है तिवारी साहब। क्या है, पहली बात तो हम सबको एक मुद्दे पे सहमत होना पड़ेगा, हाँ। और मीडिया को ये बताना पड़ेगा कि हमारे सीएम साहब पहले से ही थोड़े से ठरके थे। हाँ, उन्होंने जवानी की ठरक बुढ़ापे में निकाल ली, इसलिए उनकी, मेरा मतलब है उनको पार्टी से निकाल दिया गया है ना। अगर ये फैसला वो पहले कर देते तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। काश। अब आगे की सोचो, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? वो तो हाईकमान तय करेगा, पहले इसका इस्तीफा तो मंजूर हो जाए। एसपी को फोन करके कह देना अंजलि को रिहा कर दे। अंजलि जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। मुबारक हो, आखिर जीत आपकी हुई, स्वागत है। इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं ने आवाज उठाई है, बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। महिलाओं ने हमेशा अपनी शक्ति को प्रमाणित किया है, दबाव में आकर आखिर उन्हें छोड़ना पड़ा। देर आए दुरुस्त आए। बेकसूर को पकड़ोगे तो लोगों का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अंजलि जी, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरी रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय मुझे ही हवालात में भेज दिया गया। आप तो उनके वकील हैं, अब आपने आगे और क्या सोचा है? मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, अब हम ऊपर तक फरियाद करेंगे। लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ सरकार के इस रवैये से। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एक मजाक बनकर रह गई है? जी हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ न्याय की उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन मुझे यहाँ बदनामी के सिवाय और कुछ नहीं मिला। अब आप आगे और क्या करेंगी? मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अपने गाँव लौट जाने का फैसला किया है। पर अब आप प्लीज, अब आप और कुछ मत पूछिए। कम, एक्सक्यूज मी। शांति जी, अब आप क्या करेंगी? ये एक महिला के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये उसके आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये उसकी आत्मशक्ति की लड़ाई है, ये उसके इज्जत और आबरू की लड़ाई है, और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हम अंजलि को न्याय न दिला दें, और जब तक अंजलि को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठे। सुना आप लोगों ने, जिस अंजलि के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, वो परेशान होकर तंग आकर गाँव वापस लौट रही है,
इसे आप क्या कहेंगे, सरकार का जुल्म या फिर अंधा कानून? आराम से बैठ जाइए ना सर, आपको दमे का प्रॉब्लम है? अरे यहाँ मेरी लाइफ और डेथ का प्रॉब्लम है, तू मेरी बीमारियाँ क्यों गिन रहा है? परेशान क्यों हो रहे हैं सर? अरे परेशान नहीं हो तो क्या करूँ, सत्ता जा रही है मेरी। सीएम इस्तीफा तो दे रहा है ना? इस्तीफा दे रहा है, वो जाएगा तो दूसरा आएगा, उनके पास लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक रिश्वतखोरी में पकड़ा गया, दूसरा आएगा, दूसरा गया, तीसरा आएगा, तीसरा गया, चौथा आएगा। हम कर क्या सकते हैं सर? घंटा, मैं मेरा फायदा सोच रहा हूं। जब तक ये सरकार खत्म नहीं होती, नई सरकार नहीं बनेगी, और जब तक हमारी सरकार नहीं बनती मैं सीएम कैसे बनूंगा? साला ये सारा कसूर जनता का ही है, वहां सीएम इस्तीफा दे रहा है और हमारी जनता आवाज तक नहीं उठा रही, पता नहीं इस देश का क्या होगा। साले बेटा भतीजावाद शुरू कर रहे हैं, यूथ अभियान चला रहे हैं, यूथ अभियान। साला हर बाप अपने बेटे को राजनीति में घुसा रहा है और कुछ नहीं है। साला दुकान का गल्ला है क्या ये? बाप रिटायर हो गया है, बेटे को बिठा दिया गल्ले पे, लूट बेटा लूट, तेरे बाप की जागीर है, लूट। यूथ अभियान, चुतिया बना रहे हैं लोगों को ये यूथ अभियान के नाम पे। और ये कौन सा यूथ है जिसको खुद की चट्टी नहीं संभाली जा रही है, वो जनता को क्या खाक संभालेंगे? जनता भी इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है, इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार मैं सरकार गिरा कर ही रहूंगा। श्रीमान, इस्तीफा देने से तो लोग यही समझेंगे कि जो आप पर इल्जाम लगा है वो सही है। तो क्या करूं ज्ञान प्रकाश, इस पार्टी को अपनी मेहनत और लगन से सींच कर इस मुकाम तक पहुंचाया था, उसी पार्टी से आज बेइज्जत होकर निकाला जा रहा हूं। श्रीमान, जब तक बात साफ नहीं हो जाती कम से कम आप इस्तीफा तो मत दीजिए। नहीं ज्ञान प्रकाश, नहीं। अब देखो, मेरे इस्तीफा देने के बाद से ही देश में शांति छा गई, हमारी सत्ता बच गई, अपोजिशन नाकाम हो गई, और मुझे क्या चाहिए। किंतु इस्तीफा देने से पहले उस कन्या से मिलकर कारण का पता तो लगाइए। सत्ता में इतने सारे लोग हैं, उसने आपके ऊपर ही क्यों इल्जाम लगाया? कारण तो मैं नहीं जानता जी। तुम कहते हो तो ये भी करके देख लो, चलो फोन लगाओ। धन्यवाद सर। हेलो, शिवम स्पीकिंग। मैं ज्ञान प्रकाश बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी का पीए। बोलिए। अंजलि से बात कर सकता हूँ? आपको जो कहना है मुझसे कहिए। परंतु ज्ञान, मुझे तो हेलो जी, मैं अभय सिंह तोमर बोल रहा हूँ। जी बोलिए सर। जी मैं अंजलि जी से बात करना चाह रहा हूँ। क्यों? ये तो मैं उन्हीं से मिलकर बताऊंगा। वो आपसे नहीं मिल सकती, वो कानून से नाउम्मीद होकर अपने गांव जा रही है। ओह तो ठीक है, मैं उनके गांव जाकर ही मिल लूंगा। कोशिश करके देख लीजिए। ज्ञान प्रकाश जी, मैं अंजलि से मिलने उसके गांव जाऊंगा। क्यों भाई? जब मिलने का फैसला कर ही लिया है तो जहां होंगी वहीं मिलने जाऊंगा ना। श्रीमान, इस तरह आपका गांव जाना उचित होगा? क्यों नहीं उचित होगा, मैं इस प्रदेश का सीएम हूँ, मैं अपनी जनता से मिलने के लिए कहीं भी कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ भाई। ये तो हमारी अपनी मर्जी है, इसमें तो मैं हाई कमान की भी नहीं सुनूंगा। तुम बस मेरा शेड्यूल देखो जी। और मुझे बताओ कि मैं कब जा सकता हूँ। जी आप कुछ 25 दिन के बाद ही जा पाएंगे। तो ठीक है, मैं 25 दिनों के बाद ही जाऊंगा, लेकिन हाँ पूरी मीडिया से कह दो कि मैं अंजलि से मिलने के लिए उसके गांव जा रहा हूं। जी।
मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीएम साहब ने अचानक गांव जाने का फैसला किया ही कैसे? क्या साबित क्या करना चाहते वो? सर, हो सकता है कि सीएम साहब ने कोई गुनाह किया ना हो, वरना ऐसा फैसला वो नहीं लेते। मगर उस लड़की से शहर में भी तो मिल सकते थे, इतना भी वक्त नहीं क्या उनके पास? सर, सुना है कि अंजलि मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए सीएम साहब ने गांव जाकर मिलने का फैसला किया है। इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक लड़की से मिलने उसके गांव जा रहे हैं, जरूर कोई बात है। बात तो जरूर है। सीएम क्या आप गांव में जाके रेप करेगा? तू पागल है क्या? एक प्रॉब्लम से निकला नहीं और दूसरा जाके खड़ा करेगा? अरे बेचारा, पहले खुद तो ठीक से खड़ा हो जाए। अरे डार्लिंग, अभी तो मान जाओ, अपना सीएम है ना, बहुत ही अच्छा आदमी है, तभी तो गांव जा रहा है, हैं? यह तो पासा पलट गया है। अरे हम तो शर्त लगा रहे थे कि सीएम ने उस लड़की के साथ रेप किया है या नहीं, लेकिन यहाँ तो उस लड़की से मिलने खुद सीएम उसके गांव जा रहा है। कमाल, अरे चकने में दाल मंगाना। मुझे तो दाल में काला लगता है। अरे भाई, मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। श्रीमान जी, आपने मुझे याद किया? हाँ, बिल्कुल याद किया है? देखो फमन, हमने तुम्हें तुम्हारे गांव का अध्यक्ष बनाया है। क्या बनाया? अध्यक्ष। हाँ, अब सुनो, तुम्हारा काम करने का वक्त आ गया। अरे आदेश दीजिए ना साहब। हाँ तो फुमन जी, तुम्हें एक ऐसा काम करना है कि अगला प्रधान का चुनाव तुम जीत सको। अरे सरकार, यही तो मेरी अंतिम इच्छा। इस बार मैं चुप हो गया ना, तो हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। इस बार बहुत बड़ा मौका हाथ आया है। सारे पार्टी कार्यकर्ताओं को कह दो, हम भी गांव जाएंगे और सीएम का स्वागत काले झंडों और मुर्दाबाद के नारों से करेंगे। मुख्यमंत्री जी और काफी नेता आ रहे हैं, रास्ते ठीक करवाने होंगे, गांव की हालत सुधारनी होगी। इसी बहाने तुम लोगों का दिल जीत लो, ताकि हमारी इज्जत रह जाएगी और गांव वाले भी तुम पर खुश हो जाएंगे। आज्ञा दीजिए श्रीमान, काम कब आरंभ करना है? हमारे पास सिर्फ 24 दिन है, सिर्फ 24 दिन। हो जाएगा जी। माधोपुर गांव में हैं और इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का। अरे भगवान सिंह, मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके देख रास्ता साफ है कि नहीं। मुझे किसी भी प्रकार का कोई, आप ध्यान रखिएगा हर चीज का, ओके? ठीक है, चलो। सर, सर क्या हुआ? अरे समझ में नहीं आ रहा कि हम पुलिस में है कि टेंट वाले हो गए। क्यों, कोई टेंशन? अरे सारा मेहनत हमरा और नाम इनका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एसपी साहब चोर हैं? अरे राम आश्रे, मुहावरा है ये। हाँ मुहावरा। क्या बात है भूमन, आज तो कपड़े पहन रखे हैं। अरे क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है सरपंच, मैं क्या निर्वस्त्र रहता हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है आज तो बड़े ढंग के कपड़े पहन रखे हैं। अरे कोई मामूली बात है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मुख्यमंत्री माधोपुर में आपका स्वागत है। आप है गांव के सरपंच? नमस्ते। हाँ नमस्कार। लाइए लाइए। एक मिनट फुमन जी, जब तक मुझ पर लगाए हुए इल्जाम का फैसला नहीं होता, तब तक भाई मैं एक मुलजिम हूँ, अभी मैं स्वागत का अधिकारी नहीं। धन्यवाद अनुभव जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। पधारिए पधारिए अनुभव जी। अंजलि,
इंसाफ दो। नानी चंटू जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अंजलि को इंसाफ दो, इंसाफ दो। नानी मुर्दाबाद, जय सिंह तोमर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जय सिंह तोमर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जय सिंह तोमर। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय सिंह तोमर। मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कोई कार्यक्रम करने या उद्घाटन करने नहीं आए हैं, बल्कि फैसला करने आए हैं। इसलिए भाषण, स्वागत, आदर, सत्कार, परिचय ये सब भूल जाइए और सिर्फ सिर्फ फैसले की बात कीजिए। फैसला हो चुका है, ये सीएम नहीं चाहिए। ऐसा सीएम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। धन्यवाद बंधुओं। मैं यहां कोई भाषण या कोई अपनी सफाई देने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ अंजलि जी से मिलने आया हूं। मैं आप सबके सामने अंजलि जी से मिलूंगा, आप सच्चाई सुने और अपना फैसला करें। अरे गीत की नजर है मेरी, सारा सच देख चुका हूँ। बिना चश्मे के? अरे तेरे बाप का क्या जाता है, चश्मे से देखूं या बिना चश्मे से? चुप कर। अंजलि जी आप कहाँ हैं? आप जहाँ भी हो कृपया मंच पर आ जाएं और अपनी बात कहें। अंजलि जी, प्रणाम। आप? मैं अंजलि का वकील शिवम। लेकिन अंजलि जी कहाँ हैं? आपको एक गांव कैसे लगा? बढ़िया है, यहाँ के रास्ते भी बढ़िया हैं, यहाँ बिजली है और पानी भी। भाई ये सब तो इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं और हमारी पार्टी इन सब चीजों का ख्याल रखती है। आप इन सब बातों में मुझे क्यों उलझा रहे हैं? मुझे बताइए अंजलि जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ। भाई वो भी आ जाएगी, पहले आप मेरी बात। एक मिनट, ये क्या मजाक हो रहा है? जिस काम के लिए हम आए वो काम किया जाए। ठीक है अंजलि, सच साबित करने का वक्त आ गया है। अंजलि मंच पर आ जाओ। अंजलि, अंजलि, बेटा तुमने मुझ पर ये झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने झूठा इल्जाम नहीं लगाया, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आपने बलात्कार किया है। अभय सिंह तोमर, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभय सिंह तोमर, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और अभय सिंह तोमर, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झूठ है, झूठ कह रही हो तुम। ये सरासर झूठा इल्जाम है मुझ पर। मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं। हम कई बार मिल चुके हैं। कब? हर चुनाव के वक्त। चुनाव में तुम मुझसे कब मिली हो भाई? हर नेता जनता से सिर्फ चुनाव के वक्त मिलता है और फिर भूल जाता है। हम सब आपको और आपकी पार्टी को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या ये मुलाकात काफी नहीं है? तू क्या रामलीला सुना रही क्या है? जो है वो सच बता। सच तो ये है कि रेप आप तीनों ने भी किया है। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? सच कह रही हूँ मैं, बलात्कार आप सब लोगों ने किया है, अपनी कुर्सी का, हमारे विश्वास का और इस देश के संविधान का। ए लड़की, ये तो क्या बोल रही है, होश में तो है? पूरे होशो हवास में। तूने सीएम साहब पर इल्जाम लगाया, उस बात को पहले साफ कर। बेकार बातें करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त होता कब है आप लोगों के पास? वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं पर जीतने के बाद हाथ ही नहीं आते। इतनी दूरियां बढ़ा लेते हैं कि हमारी नजरें इनको ढूंढती रह जाती है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बताता हूँ,
पहले जब गांव वाले सुविधा की बात करते थे तो एक ही जवाब आता था, पार्लियामेंट में बिल पास होगा तब गांव का विकास होगा। लेकिन जब इन्हें पता चला कि आप आ रहे हैं तो गांव में पानी भी आ गया, बिजली भी आ गई और सड़कें भी बन गई। जो काम 62 सालों से गांव वालों के गिड़गिड़ाने और चीखने चिल्लाने से नहीं हुआ वो आपके डर से 25 दिनों में हो गया। कैसे पास हो गया ये बिल, कहां से आए इतने रुपए? एमपी एमएलए और ब्लॉक प्रेसिडेंट की इतनी कमाई तो होती नहीं है, फिर ये ऊपरी कमाई कहां से आई, जरा पूछिए इनसे। देख लड़के, ये मंच जनता और नेता के बीच की शिकायतों को दूर करने के लिए नहीं सजा गया। हमारे सीएम साहब पर बलात्कार का इल्जाम है, सिर्फ वही बात कर। वही बात कर रहा हूँ तिवारी। तिवारी जी एक मिनट, शांति। देखो तुम लोग जो कह रहे हो या कहना चाह रहे हो, इसका तुम्हारे द्वारा मुझ पर इल्जाम लगाने का क्या संबंध है आपस में? सर, जब इन लोगों के पास हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमने चाहा हमारी समस्या आपके सामने रखी, मगर हमें अब तक पहुंचने ही नहीं दिया। हम जानते थे कि आपको सच बताया नहीं जाता, हमने सोचा हम आप तक नहीं पहुंच सकते मगर आपको तो हमारे पास बुला सकते हैं, और आप आ गए, इसीलिए हमने आप पर बलात्कार का झूठा इल्जाम लगा दिया ताकि सच जानने के लिए आप गांव पहुंचे। और वही हुआ, गांव का विकास हो गया। अब कौन दोषी है और कौन निर्दोष, इसका फैसला तो आपके हाथ में है। अब बताइए, किया किसी भ्रष्ट नेता ने और भुगतना पड़ रहा है इस फरिश्ते? अरे हमारा पीएम कैसा हो? पीएम नहीं सर, सीएम। तेरी ये पीएम बनेगा तो मैं सीएम बनूंगा ना। नारा दे। हमारा पीएम कैसा हो? अब क्या होगा, कहानी ने तो एक नया ही रूप ले लिया है। क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी? अब क्या करेगी सरकार? सजा किसे मिलनी चाहिए, अंजलि को या शिवम को या फिर भ्रष्ट नेताओं को? कौन दोषी है और कौन निर्दोष, इसका फैसला तो अब कानून ही कर सकता है। अंजलि त्रिवेदी और शिवम मिश्रा मुजरिम है। इन दोनों ने अपना अधिकार मांगने के लिए अभय सिंह तोमर जैसे देशभक्त और सच्चे नेता पर झूठा इल्जाम लगाया। अब ये फैसला उन पर है कि वो इन दोनों के खिलाफ कौन सी कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि अगर इन दोनों को सजा सुनाई गई तो आइंदा कोई भी अपना अधिकार मांगने से डरेगा, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग गलत तरीके से अपना अधिकार मांगे। आइंदा किसी ने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अदालत ने तो हमें बरी कर दिया, अब हम आपके मुजरिम हैं, जो चाहे सजा दे दे। सजा तो मैं तुम्हें दूंगा ही, परंतु पहले मैं अपना फर्ज पूरा कर लूं। इस गांव में पानी आ गया, बिजली आ गई, सड़कें मजबूत और तैयार हो गई, लेकिन जो कमियां हैं, स्कूल, अस्पताल, बैंक, डाकघर नहीं है, ये मैंने सैंक्शन कर दिया है। मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि पार्टी ने ऐसे गैर जिम्मेदार और भ्रष्ट लोगों को टिकट दे दिया। ऐसे लोगों को तो पार्टी से क्या पूरे देश से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम दोनों सजा के नहीं इनाम के हकदार हो। सर, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल। सर ये क्या? बेटा, स्टेट मतलब राज, और सीएम वहां का राजा। जो राजा अपनी प्रजा का ख्याल न रखता हो उसे सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। मैंने इस्तीफा दे दिया है। चलो जान छुटी। और मैं तो कहता हूं कि हर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जिन्हें ये भी पता नहीं कि उनके स्टेट में गांव कितने हैं और उनकी जनता किन किन मुसीबतों का सामना कर रही है। देश की नींव गांव है, अगर हमारी नींव ही कमजोर है तो देश कैसे मजबूत होगा। मैंने केवल मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि मैंने
राजनीति को भी त्याग दिया है। मुबारक हो सर, ये तो जा रहे हैं। जय हिंद। नेता हो तो अभय सिंह तोमर जैसा। अभय सिंह तोमर, अभय सिंह तोमर, अभय सिंह तोमर, अभय सिंह तोमर, अभय सिंह तोमर। आप लोगों को क्या लगता है ये प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो गया? नहीं, ये तो एक गांव था। इस तरह हमारे देश में कितने ही गांव ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनका उद्धार कौन करेगा? अगर हर गांव का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम सबको एक होकर एक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, तब जाकर हमारे गांव का उद्धार होगा, हमारे देश का उद्धार होगा। तो क्या इस सोच में आप हमारे साथ हैं? We'll be right back.